ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस था और ये कॉस्ट था, सो योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन योर कॉस्ट, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा मिल रहा है, सो दैट इज योर प्रॉफिट। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। देखो वापस अगेन सेल, क्योंकि वो एक्स इंटरेस्ट था, सो प्राइस इज इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस, बट यू हैव टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट कंपोनेंट व्हेन यू सेल, दैट कम्स टू 2400। फिर आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, तो सेलिंग प्राइस ले लिया, लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेल दैट इज 30, वो किया तो मेरे को मिला 27500। सिंस माई सेलिंग प्राइस वॉज मोर, आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1300। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन देखो, सेल करके विदाउट कैलकुलेटिंग PNL पहले पोस्ट मत करना, ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, अगर गलती से पहले आप ये पोस्ट कर दोगे ना तो चांस आप क्रेडिट में ये वाला अमाउंट ले लो जो कि आपको नहीं लेना, क्योंकि इसका ही सेल हो रहा है तो इसको अपन डेबिट माइनस क्रेडिट में नहीं ले सकते, इसीलिए ये दोनों साथ में करो, फिर दोनों का एक साथ पोस्टिंग करो। तो चलो आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, कभी सेल हुआ, सेल हुआ इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा, दैट इज 1913, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, दिस वॉज माई वर्किंग नोट 3, मेरा नॉमिनल वैल्यू है 30,000, इंटरेस्ट इज 2,400 एंड माई कॉस्ट इज 28,800। यहाँ पे दिस कॉस्ट मतलब ये सेलिंग प्राइस ही हो गया, बट वी राइट इन कॉस्ट, और प्रॉफिट का भी एंट्री आएगा, बोलो प्रॉफिट डेबिट साइड पे लिखूँ कि क्रेडिट, कहाँ पे जाएगा आपका प्रॉफिट, डेबिट में लिखूँ कि क्रेडिट में लिखूँ, देखो प्रॉफिट हुआ तो PNL के क्रेडिट में जाएगा, सो यहाँ पे व्हेन यू अर्न अ प्रॉफिट आपका डेबिट होगा, तो डेबिट साइड पे क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है, सो यहाँ पे लिख दो 1913 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट में कुछ नहीं आता और सीधा कॉस्ट में माय प्रॉफिट इज 1300 एंड राइट द रेफरेंस वर्किंग नोट 4। ये इतना समझा, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल और उसका प्रॉफिट एंड लॉस। चलो पहले इतना कॉपी कर लो, चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अभी यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, मिस सिमरन एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th June एंड 31st December एवरी ईयर, सो दिस इज योर हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट, ट्रांजेक्शन आर एज अंडर 1/4/2002, 800 ओपनिंग बैलेंस एट अ कॉस्ट ऑफ 76,000, सो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया हुआ है, ऑन 1/6/2002 300 सोल्ड एट ₹105 ईच कम इंटरेस्ट, ऑन 1/9/2002 700 परचेज एट ₹89 ईच एक्स इंटरेस्ट, ऑन 1/1/2002 400 परचेज एट ₹108 ईच कम इंटरेस्ट, ऑन 1/2/2003 900 सोल एट ₹97 ईच एक्स इंटरेस्ट, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ सिमरन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2003, द मार्केट वैल्यू इज ऑन 31st March 2003 वॉज 67,500 ऑफ द सेड इन्वेस्टमेंट, अप्लाई AS 13।
अभी देखो ये जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ये इन्वेस्टमेंट का, वो एज पर AS 13 ही करते हैं, वो पहले भी इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है कुछ, 2 बार सेल है, 2 बार परचेज है और हाफ ईयरली इंटरेस्ट है प्लस मार्केट वैल्यू है। सो दिस कैन बी अ काइंड ऑफ फुल फ्लेज सम जहाँ पे सब कुछ है, ओपनिंग बैलेंस, 2 परचेज, एक परचेज है आपका एक्स इंटरेस्ट, एक परचेज है कम इंटरेस्ट, एक सेल है एक्स इंटरेस्ट, एक सेल है कम इंटरेस्ट, तो दोनों एक्स और कम का कंसेप्ट आ जाएगा। देन यू हैव अ हाफ ईयरली इंटरेस्ट, देन इट मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, सो वी विल ऑल्सो डू वैल्यूएशन, ऑल्सो अक्रूड इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें। सो इट इज़ लाइक अ फुल फ्लेज सम जहाँ पे सब कुछ है। चलो सबसे पहले तो फॉर्मेट्स बना दो जस्ट लाइक द लास्ट सम।